आखिर आज की दुनिया में चॉकलेट भला किसे पसंद नहीं। तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर एक चॉकलेट बनती कैसे है। तो चलते हैं हमारे वीडियोज की ओर, मगर उससे पहले बता देना जरूर कि चॉकलेट पसंद है कि नहीं कमेंट में। चलते हैं हमारे वीडियोज की ओर और जानते हैं कि आखिर चॉकलेट बनती कैसे है। सबसे पहले चॉकलेट को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है कोका बीन्स की, और ये कोका बीन्स मुख्यतः साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कोका बीन्स जो रहते हैं, ये जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, इन्हें कोका कहते हैं, और इसके अंदर तकरीबन 20 से 60 बीज रहते हैं, जिसे मुख्यतः कोका बीन्स कहते हैं। और जो आपको इसके पहले जो स्क्रीन पर दिख रहे थे वो पौधे में लटके हुए, उसे कोका कहते हैं, और ये बीज जिसमें है उसे कोका पोड कहते हैं। ये कोका बीन्स मुख्यतः चॉकलेट के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। फिर सारे बीजों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। ये बीज मुख्यतः रॉ मटेरियल की तरह काम करती है चॉकलेट में, जो कि कई सारे सीड्स को कलेक्ट करके रोस्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इन्हें पीसने घर्षण का काम करती है। तकरीबन एक घंटे के रोस्टिंग के बाद कई स्मेल आने लगती है, जो कि रोस्टेड बीन्स की रहती है, और कोकास का सेंट भी आने लगता है। उसके बाद फिर ये रोस्टर से एक्सट्रैक्टर की ओर जाती है। एक्सट्रैक्टर के द्वारा हस्क और एयर से क्या होता है, एयर ऊपर की ओर फ्लो करती है और हस्क उस पर दबाव डालता है। उसके बाद सॉर्टिंग मशीन के द्वारा ये जो बीन्स रहती है, ये जो टूटी हुई बीन्स रहती है वो अलग होती है अपने साइज के अनुकूल। उसके बाद जो ये बीन्स है टूटकर बिखरने लगती है। उसके बाद फिर ये सभी टूटे हुए जितने भी बीन्स रहते हैं, इन्हें पेस्ट में बदला जाता है, और इस पेस्ट को कोका मास कहते हैं। उसके बाद इन पेस्ट को पैलेट्स की तरह बनाया जाता है, जिसमें वो सॉलिडिफाइड हो सके, मतलब कठोर बन सके। उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये तैयार होकर फिर वापस निकलती है। जब मुख्यतः जब ये कोका मास तैयार हो जाती है, तो इसे बैग में पैक कर दिया जाता है और चॉकलेट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर अब बात करते हैं चॉकलेट फैक्ट्री में इस कोका मास का यूज कैसे होता है और क्या क्या होकर एक चॉकलेट तैयार होता है। तो बात करें यहाँ पर, जहाँ कोका मास और कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है एक चॉकलेट तैयार करने के लिए, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, कोका मास, शुगर और कोका पाउडर सभी चीज़ रहती है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर में डाल दिया जाता है और इन्हें पूरी तरह से मिलाया जाता है। इस मिक्सर में फिर कोका बटर डाला जाता है, जिससे ये मिक्सर काफ़ी सॉफ्ट हो सके, मुलायम हो सके। जब ये मिक्सर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इसे दूसरे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर इन मिक्सर को और काफ़ी मुलायम बनाया जाता है, वो भी रोलर के सहारे। फिर इस मिक्सर्स को रोलर में डाल दिया जाता है, और ये कई रोलर्स से होकर गुजरती है ये चॉकलेट की मिक्सर। जब ये रोलर से गुजरती है, तो ये बहुत पतला होना शुरू हो जाती है, और पतला ही पतला होते रहती है। जब ये आखिरी रोलर से गुजरती है, तो ये तकरीबन इतनी पतला हो चुकी होती है कि इसकी साइज जो रहती है वो 0.03 मिलीमीटर से भी बहुत छोटी होती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर काफ़ी देरी के बाद ये पेस्ट जो रहती है, ये बहुत ही स्मूथ हो जाती है और इसकी सुगंध फैलना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसे 40 डिग्री सेल्सियस में छोड़ दिया जाता है, और एक तरफ प्लास्टिक मोल्ड्स को तैयार किया जाता है। चॉकलेट बार को बनाने के लिए प्लास्टिक मोल्ड्स को तैयार किया जाता है। इन सब प्लास्टिक मोल्ड्स को एक मशीन के द्वारा सतह पर रखा जाता है, जिसमें आगे चलकर चॉकलेट को डाला जाता है। बात करें वहीं पर एक छलनी टाइप का, जिसे स्क्रीन कहते हैं, वो ऊपर की ओर डाल दिया जाता है, ताकि वो मोल्ड में आकर जो चॉकलेट्स थी, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस में थोड़ी देर पहले गई हुई थी, उसे यहाँ आकर इसमें
डाल दिया जाता है उन लिक्विड फॉर्म के चॉकलेट्स को, ताकि वो इन प्लास्टिक मोल्ड्स में आ सके। और इस छलनी का इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि जो हार्ड और सॉलिड टाइप की जो भी चॉकलेट्स रहे वो नीचे न आकर गिरे, जिस कारण से चॉकलेट जो है वो खराब हो जाए। इसीलिए जो जटिल चॉकलेट्स रहते हैं उन्हें ऊपरी सतह में ही छोड़ दिया जाता है छलनी के। फिर लिक्विड फॉर्म की चॉकलेट्स को छलनी के द्वारा इन मोल्ड्स में डालना शुरू कर दिया जाता है। ये लिक्विड फॉर्म जो है चॉकलेट का वो आकर मशीन में गिरती है और मशीन से मोल्ड्स में जाकर गिरती है, और फिर ये मोल्ड्स पास होते रहते हैं और इन्हें वाइब्रेट किया जाता है ताकि इन चॉकलेट में जो भी हवाएं हैं वो वहां से लुप्त हो जाए, मतलब चॉकलेट में हवाओं का नामो निशान ना रहे। उसके बाद ये धीरे धीरे वहां से पास होने लगती है, आगे की ओर बढ़ने लगती है। उसके बाद इन सभी मोल्ड्स को रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है, जहां 20 से 40 मिनट तक इन्हें 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। फिर रेफ्रिजरेटर से निकाल कर इन सभी चॉकलेट्स को, जो कि चॉकलेट्स सॉलिडिफाइड हो चुके हैं, उन्हें उनके मोल्ड से उन्हें अलग कर दिया जाता है और इन चॉकलेट को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपने यही चॉकलेट ना कई बार खाया होगा। आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक चॉकलेट कैसे तैयार होती है, और फिर ये तैयार चॉकलेट को मार्केट की ओर भेज दिया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।